हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिकोर आईएएस यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को एक फ्लो चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करी थी और आज हम लोग प्रीएम्बल को कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर आप लास्ट क्लास के इस सीरीज को देखेंगे तो हम लोगों ने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो ये है कि कुछ मेजर और माइनर कमिटीज बनाई गई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया गया था, बहुत सारे चीज़ें अडॉप्ट करी गई थी जैसे नेशनल फ्लैग, एंथम और सॉन्ग। मेजर कमिटीज़ में एक कमेटी का नाम ड्राफ्टिंग कमेटी था, जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लिखा था रादर। और ये प्रीएम्बल है जो आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक फाउंडेशन पर बेस्ड है। दोस्तों, ये जो प्रीएम्बल है इसको पढ़ने के लिए ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम डील कर सकते हैं। जैसे प्रीएम्बल को पढ़ने का एक तरीका ये है कि इसका टेक्स्ट क्या कहता है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज हैं, इसके की वर्ड्स क्या क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आज की तारीख में या हमेशा से ही इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, और कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं विद रिलेटेड टू प्रीएम्बल। तो ये 5 एस्पेक्ट्स में हम लोग डील कर सकते हैं वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, यहाँ से शुरू करते हैं। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल क्या है? टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये पहला पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट की वर्ड्स, इन दोनों को क्लब कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए जरा। We the people of India, ठीक है, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, justice of social, economic and political, social justice, economic justice and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, and unity and integrity of the nation. दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टेक्स्ट है प्रीएम्बल का, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स, उसको हाईलाइट कर लिया जाए। सबसे पहले, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ पावर, दिस इज द सोर्स ऑफ पावर। यहां पे पीपल का मतलब सिटीजन्स नहीं है, सो सिटीजन्स एंड अदर्स, सब लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, सबके लिए, दे ऑल हु आर इन इंडिया, दे रिजॉल्व, सो दिस इज द सोर्स ऑफ द पावर। वो रिजॉल्व कर रहे हैं, क्या रिजॉल्व कर रहे हैं? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया,
यानी कि इंडिया को कुछ ऐसा बनाना है, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कैसा बनाना है, एक सॉवरेन राष्ट्र बनाना है, एक सोशलिस्ट राष्ट्र बनाना है, एक सेक्युलर राष्ट्र बनाना है, एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाना है और एक रिपब्लिक राष्ट्र बनाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यहां पर सिटीजन हो रहा है, यहां पर सिटीजन हो रहा है क्यों, क्योंकि भारत सरकार की जो जिम्मेदारी आती है, तो जिम्मेदारी आती है किसके प्रति, अपने सिटीजन के प्रति। क्या जिम्मेदारी है भारत सरकार के या सरकार के सिटीजन के प्रति, कि वो जस्टिस प्रमोट कर सके, चाहे वो जस्टिस सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो या पॉलिटिकल लेवल पे हो, वो लिबर्टी एस्टैब्लिश कर सके, लिबर्टी की जो है वो दे सके, बी इट ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और इक्वालिटी की भी हो। अब इक्वालिटी में क्या है, स्टेटस की भी इक्वालिटी होनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रमोट करना चाहती है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुडनेस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये मेन एस्पेक्ट है। और ये फ्रेटर्निटी मेंटेन करने के लिए, यूनिटी मेंटेन करने के लिए अपनी डिग्निटी को दांव पे नहीं लगाना है, सो इंडिविजुअल डिग्निटी एट द सेम टाइम यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये है एक ओवरऑल प्रीएम्बल का टेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब इसी प्रीएम्बल के अंदर एक और चीज लिखा गया है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे और भी एक चीज लिखा गया है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहां पे एक डेट भी दिया गया है जिस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, साफ साफ 26 नवंबर 1949 का डेट लिखा गया है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़े, इसी को सोर्स बनाकर, इसी को मेन फाउंडेशन बनाकर, तो हम देख सकते हैं कि एक और सवाल का एक सवाल आ सकता है कि सोर्सेज क्या है प्रीएम्बल के। प्रीएम्बल के सोर्सेज बेसिकली तीन हैं। नॉर्मली लोगों को पता है कि एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है, एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल एक ऐसी चीज है जो कि यू नो एक प्रीफेस की तरह काम करेगी, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ सामने आ रहा है तो दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके अलावा भी यूएसएसआर से भी हम लोगों ने कुछ लिया है जिसका आपको दिखेगा प्रीएम्बल में, दैट इज द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो जस्टिस के आइडियल्स है जो कि आपको प्रीएम्बल में दिख रहा है, ये चीज भी यूएसएसआर से लिया गया है। और बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी को अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब इसी प्रीएम्बल को जब हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखा या इसके बारीकियों को समझा कि किस वर्ड का क्या मतलब है, थोड़ा इसको और तोड़ते हैं, प्रीएम्बल को थोड़ा सा और तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीएम्बल से जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे एक आदमी नॉर्मल, एक लेमैन जब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा तो उसे क्या क्या चीजें पता चलेंगी। नंबर वन, नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि इंडिया का नेचर कैसा है। बड़ा आसान जवाब है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ये इंडिया का नेचर है। और क्या चीजें पता चलती हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर या अथॉरिटी, क्या है, वी द पीपल, ठीक है। तीसरा जो है यह है कि इंडिया के सामने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या वो अचीव करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव्स रादर गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
क्या अचीव करना चाहते हैं हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से? ये भी बड़ा आसान जवाब है। क्या जवाब होगा इसका? हम लोग अचीव करना चाहते हैं जस्टिस, हम लोग अचीव करना चाहते हैं लिबर्टी, हम लोग अचीव करना चाहते हैं इक्वालिटी, हम लोग अचीव करना चाहते हैं फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। दिस इज अ थिंग दैट वी वांट टू अचीव। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और फाइनली प्रीएम्बल से एक और चीज पता चलती है, व्हिच इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हिच इज 26th of November 1949। तो ये चार चीजें हमें इस पर्टिकुलर प्रीएम्बल को ओवरऑल रीड करने से पता चलता है कि नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, भारत को डिस्क्राइब करता है या भारत का कैरेक्टरिस्टिक बताता है क्या है वो, भारत कैसा देश है, कैसा नेचर का कंट्री है, कैसा नेचर का स्टेट है, ये सब लिखा गया है। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ पावर, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में व्याख्या की गई है, ये कौन किसके पास है सोर्स ऑफ पावर, व्हिच इज द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो हम लोग उसको अचीव करना चाहते हैं, ऐसा कौन कौन से गोल्स हैं जो हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए अचीव करना चाहते हैं, व्हिच इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इस प्रीएम्बल के आखिरी लाइन में लिखा गया है, व्हिच इज 26th of November 1949।